नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से बड़ी खबर से। डबरा में सियासी बवाल जारी है। इमरती देवी का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। महिला से बात करने का ऑडियो है ये। वायरल ऑडियो में कांग्रेस एमएलए सुरेश राजे के सिलसिले में बात करने का दावा किया गया है। उसको पहले वीडियो भेजो, बोलो देख ले, फिर डिलीट कर दो और बोलो कि रुपए दे या इस वीडियो को वायरल करें। हालांकि न्यूज 18 नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। पिछले सप्ताह वायरल हुआ था कांग्रेस एमएलए सुरेश राजे का अश्लील वीडियो। राजे ने अज्ञात लोगों पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दू या जो वीडियो वायरल कर ले। एक आंसू पारासा छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगा ना, पूरे कांग्रेसी जा के खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दू या जो वीडियो वायरल कर ले। एक आंसू पारासा छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगा ना, पूरे कांग्रेसी जा के खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दू या जो वीडियो वायरल कर ले। एक आंसू पारासा छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगा ना, पूरे आपको हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि कांग्रेस विधायक का वीडियो, अश्लील वीडियो वायरल हुआ था और उस पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। अब इसी मामले में ट्विस्ट आया है। इमरती देवी का ऑडियो वायरल हो रहा है, वो किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, सुशील से समझेंगे। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस विधायक का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, अब उसी मामले में ट्विस्ट हम देख रहे हैं, ऑडियो इमरती देवी का। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर जिले के डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था पिछले हफ्ते। उस वीडियो में साफ तौर पर ये कहा था, आरोप लगाया था विधायक ने कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, वीडियो एडिटेड है, 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आज ऐसा ही एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर इमरती देवी की आवाज़ बताई जा रही है और वो किसी को कह रही है कि ये वीडियो भेजिए और उसके बाद उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड कीजिए और रुपया अगर ना दे तो उनको वायरल करने की धमकी दीजिए। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे। राजे जी, आज एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या लगता है आपको किस तरह का है, किसका ऑडियो है और जो संदर्भ है उसमें आपका भी नाम आ रहा है? देखिए, जिस तरह की शंका मैंने जाहिर की थी जब मेरा उन्होंने गंदा वीडियो वायरल कराया था और उस समय मैंने ये कहा था कि ये टोटल फेक वीडियो है और एडिट किया हुआ वीडियो है, और जब मुझसे कहा था कि फिर आवाज़ कैसे एडिट हो सकती है, चेहरा किसी का, धड़ किसी का, पैर कहीं से कुछ भी जोड़ा जा सकता है, ये कोई नहीं था। आज जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, ऑडियो में साफ क्लियर सुनाई दे रहा है। दूसरा, उस ऑडियो में सत्यता इसलिए नजर आ रही है कि वो जो कह रही हैं कि उसको बोलो प्रचार पर नहीं जाए, उसको बोलो ज़्यादा वो बंद करे, टिकट मांगना बंद करे, अगर टिकट ले भी आएगा तो उसके पीछे कोई है नहीं, पूरी कांग्रेस इमरती का काम करेगी। वो नाम लेके बोल रही है कि पूरी कांग्रेस इमरती का काम करेंगी, ये बोल रही है कि नहीं बोल रही है इस वीडियो में? दूसरा, ये भी कहा है कि सिर्फ अशोक पारासर उनके साथ है, पूरी कांग्रेस हमारे साथ है। तो मतलब आपका दावा है कि इमरती का ही ऑडियो है? देखिए, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश अब बचती नहीं है। और मेरे को जिस तरह की राजनीतिक धमकियां लगातार दी जा रही थी, मैंने कभी कहा नहीं, मेरे को यहां तक कहा गया था कि इस बार टिकट भी ले आएंगे तो तमाम पोलिंग लुटवा लेंगे। अच्छा, समधी और समधन के बीच ऐसी कैसी तनातनी हो गई कि हालात यहां तक पहुंच गए? मेरे साहब, मेरी तरफ से तो कोई तनातनी है नहीं, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मेरे आप इतनी बरसों से, 3 बरस में मेरे से कब कब मिले हो? आपको कभी मेरे आसपास कोई तामझाम दिखा क्या? अब ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ तौर पर आप भी दावा कर रहे हैं कि इमरती देवी का है, तो आप किस तरह की, क्या पुलिस एक्शन लेंगे, लीगल कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, दोनों तरह की कार्रवाइयों के लिए हम विचार कर रहे हैं। एक, हमें ईश्वर पे बहुत भरोसा था, हम ईश्वरवादी हैं और आज
सावन का आखिरी सोमवार था, बाबा भोलेनाथ की कृपा से जब मैं सुबह मंदिर गया तो मैंने दुआ मांगी थी कि अगर मैंने अपने 3 साल का ये विधायकी कार्यकाल और पूरा राजनीतिक जीवन मेरा जिस तरह का है, सन 80 से मैं राजनीति में हूँ, 3 चुनाव में हारा और तीनों चुनाव जिन प्रतिद्वंदियों से मैं हारा उसमें 2 प्रतिद्वंदी मेरे सामने हैं, सत्य प्रकाश जी परसेड़िया से मैं चुनाव। अच्छा अच्छा, ये पूरा प्रकरण जो है आपकी पार्टी के संज्ञान में भी आपने लाया है पूरा आज तक का जो हुआ है? बिल्कुल, मेरी पार्टी के संज्ञान में ये चीज है जी, चूंकि वीडियो आपके सबके माध्यम से पार्टी के संज्ञान में पहुंचा, वो आज का भी जो मामला है वो आपके आपके माध्यम से ही पार्टी के संज्ञान में। चुनाव को लेकर क्या तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, ये डरे हुए लोगों का जमावड़ा है, इन पे धनबल है, इन पर बाहुबल है, इन पे सब कुछ है, लेकिन इन पे जनता का बल नहीं है और इसीलिए इनका आत्मबल इतना गिरा हुआ है कि इनको जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है और इसलिए इस तरह का घृणित कार्य कराने का इन्होंने काम किया है। तो ये है डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो आज ऑडियो वायरल हुआ है वो इमरती देवी का ही है और उन्होंने ही उनके खिलाफ जो वायरल वीडियो हुआ था उसको लेकर साजिश की थी और उसमें ऑडियो में ये सारी बातें साफ हो रही है। अब राजे का ये कहना है कि इस मामले को लेकर वो लीगल कार्रवाई भी करेंगे, साथ ही उन्होंने पार्टी फोरम पर भी अपनी सारी बात रखी है, वीडियो ऑडियो सारे मामले जो है पार्टी के जो चीफ है कमलनाथ उनके भी संज्ञान में, तो निश्चित तौर पर उन्होंने साजिश की आशंका जैसी जताई थी और आज जो ऑडियो सामने आया है उसमें भी ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साजिश है। तो अब इस ऑडियो और वीडियो वाले मामले पे देखना यही होगा कि आगे किस तरह का क्या भूचाल रहता है, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश की राजनीति में डबरा के वीडियो और ऑडियो के बाद ये बवाल मचा हुआ है और ये इतनी जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस ऑडियो और वीडियो को लेकर एक दूसरे के सामने हैं। जी सुशील, हम मानते हैं कि चुनाव नजदीक है, हर पुरजोर कोशिश होगी सभी दलों द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा, सभी नेताओं द्वारा कि हम कैसे लाइमलाइट में रह सकें, हम कैसे सत्ता में आ सकें, हम कैसे ज्यादा वोट पा सकें, पर क्या इसके लिए इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, ब्लैकमेलिंग तक आना ठीक है, या ये कहना कि हम वीडियो वायरल कर देंगे, आप बाहर मत निकलिए, आप प्रचार मत करिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर इन वीडियो और ऑडियो के संदर्भ को अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं नैतिकता से लेकर सियासी खेल है और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के वीडियो जो है और ऑडियो डर्टी पॉलिटिक्स है, तो निश्चित तौर पर डर्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन आज की जो सियासत है उसमें कहा जाता है कि मोहब्बत और सियासत में हर तरह की जंग जायज है और हर तरह की इसमें छल नीति, कूटनीति, कपट नीति, हर तरह की नीति आज की सियासत में चल रही है। और ये जो पिछले दिनों एक सप्ताह के अंदर ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट के कांग्रेस के जो MLA हैं सुरेश राजे, उनका वीडियो जो अश्लील था, या फिर आज जो ऑडियो वायरल हुआ है जिसे साफ तौर पर सुरेश राजे का दावा है कि इमरती देवी का ही वीडियो है, ऑडियो है, और इमरती देवी ने उन्हें फंसाने के लिए ही पहले ब्लैकमेल करवाया था कुछ लोगों के जरिए कि उनका वीडियो जो है वायरल किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर डर्टी पॉलिटिक्स है। लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो सियासत है, उसमें ये सब चीज़ें एक तरह से जायज जैसी नज़र आ रही है, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो रहा है, हर पार्टी की तरफ से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो निश्चित तौर पर कई और वीडियो, ऑडियो और इस तरह के कई और जो विवादित मामले हैं वो सामने आएंगे, तो पॉलिटिक्स जो है डर्टी हो रही है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई सीटों पर ऐसे हालात बन रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं ना कहीं अब अपराध के साथ साथ अगर देखें तो पॉलिटिक्स जो है डर्टी हो रही है, जैसा कि आपने सवाल उठाया है। तो ये जो चुनावी साल है तो इसमें इस तरह के मामले और भी सामने आने की आशंकाएं बनी रहेगी, दोनों ही या अन्य जो पार्टियां उनके उम्मीदवार या दावेदार हैं उनके इस तरह के समय समय पर वीडियो आने की आशंकाएं जरूर बनी रहेगी। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील।